हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल trexplorers.com। सुबह के 4:30 बजे निकल पड़े हैं अमृतसर से अपने त्रिन ट्रैक की तरफ। अभी तो हम रास्ते में ही हैं और ये हमारे साथ हैं कैरन से। हेलो, ये भी हमारे साथ सुबह सुबह जल्दी उठ गई। ये काफ़ी एक्साइटेड है अपने ट्रैकिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए। और ये ट्रैकिंग इसलिए खास है क्योंकि इसमें हम आज साथ में कैंपिंग भी करेंगे। और ये देखिए बाहर का व्यू, अभी जस्ट सनराइज भी नहीं है हुआ है, होने वाला है थोड़ी देर में। विटनेसिंग ब्यूटीफुल सनराइज। सो हमारा भी त्रिन ट्रैक शुरू होने वाला है बक्सुनाग वाटरफॉल की तरफ से। और अभी हम वेट कर रहे हैं अपने गाइड की। और अभी यहाँ बता दें हम आपको कि त्रिन का जो टॉप है यहाँ से दिख रहा है माउंटेन, और इस तरफ हमें जाना है ट्रैकिंग करते हुए। और यहाँ से क्रॉस करके हम पहुँचेंगे बक्सुनाग वाटरफॉल। और इस एरिया से हमें आगे क्रॉस करना है त्रिन ट्रैक की तरफ। हम यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे टूरिस्ट बैठे हैं, ये बक्सुनाग वाटरफॉल की ही नीचे जो रिवलेट चल रही है उसको एंजॉय करते हुए बैठे हैं। और हम ये आगे अपने ट्रैकिंग के लिए त्रिन टॉप की तरफ। स्टार्ट हो गया है, नाउ वी हैव शिफ्टेड टू आवर GoPro। सो ये ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू गुलू माता वाली साइड का। और गाइड भैया कह रहे हैं कि वैली व्यू यहाँ से ज़्यादा अच्छा है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। कैब घुमा ले, कैब घुमा ले तभी दिखेगा। ये वाली ऐसे घुमा दो, इसको भी कह रहा हूँ।
रेस्ट लेने के बाद, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर से चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कीप मूविंग, कीप मूविंग, सही है, रीच योर डेस्टिनी। देखो मंत्र यही है, अगर चलना है, पहुंचना है टाइम से, तो धीरे धीरे चलते चलो, छोटे छोटे ब्रेक्स, कलेक्ट योर ब्रेथ एंड देन कीप मूविंग। देखिए हमारा शेर बच्चा ऊपर पहुंच गया पहली, हमारे साहिल जी साथ में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं उसको लेके चलने में। आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे तो अच्छा लग रहा है, मम्मा को भी अच्छा लग रहा है। नहीं, स्लो चल रही, ऊपर जाके भी टाइम स्पेंड करना है ना। हाफ रास्ता कवर हो चुका है और अभी टाइम हुआ 12 noon। हमने अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट किया था 10:30, 10:45, 10:45, 12 noon हमने ऑलमोस्ट हाफ कवर हो गया। सो यहाँ से but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. पास पहुंच चुके हैं जो कि है लिट्टा। लिट्टा तक ऑलमोस्ट हम पहुंच जाएंगे 1 बजे तक। सो करण ऑलरेडी पहुंच चुकी है, एंजॉय कर रही है पूरा। चलिए पॉइंट एंड लंच पॉइंट। सो दिस इज द हाफ वे वे टू ट्रिवंड, बिल्कुल टॉप पे है इस वक्त। So again we have started towards Trivand top, ek chota sa break, lunch break, uske baad fir se hum chal pade hain isi trail pe. Trail level, difficulty level abhi bhi moderate to slightly hard hai, but jo views hain they are still quite amazing.
ये हमारे गाइड मिस्टर साहिल जी जा रहे हैं आगे कैरन के साथ। कैरन का हाथ पकड़ के आराम से आगे बढ़ती हुई। यहाँ जब ट्रैक पे स्नोफॉल होती है उसके बाद जब स्नो पिघलती है तो यहाँ जब वो पिघलने के बाद जो पानी जाता है तो उसकी वजह से ये देखिए रास्ते में ऐसे पत्थर उखड़ जाते हैं, रास्ता थोड़ा खड़बड़ा सा उड़बड़ा सा हो जाता है। तो एक नेचुरल ही है रास्ता, कोई बना नहीं सकते इसको, क्योंकि हर साल यहाँ स्नोफॉल होती है फिर बाद में स्नो पिघलती है, तो वो नेचुरल जो इरोजन होता है पानी का, पानी से उसी से रास्ता ऐसा रहता है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं माना। माना एक छोटा सा ब्रेक पॉइंट है। ये कौन सी वैली है फिर? लड्डू माना। हाँ, इसका क्या खास है? यहाँ पे लोग पहुंच जाते हैं तो दोलदा रेंज जो दिखा शुरू हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन अभी तो ये बाकी स्टेट सिटी व्यू है। धौलाधार तो अभी दिख नहीं रहे हैं क्योंकि क्लाउड्स हैं। और अब क्लियर होगा, मौसम स्नो को फट जाएगा, ये तभी दिखेगा यहाँ से। ठीक है, कैंपिंग साइट की कैंपिंग साइट ऊपर है, ऊपर ही जाएंगे। Awesome.
गाइस, आपको दिख रहे होंगे स्नो क्लैड माउंटेन्स। थोड़ा सा अभी मिस्टी है बट सून ये भी दिखने लग गई। Awesome. आ जाओ आ जाओ। So finally we reached campsite of Triund. Wow. What a view. नीचे सिटी व्यू दिख रहा है और ऊपर देखिए क्लाउड्स, और यहाँ पे कैंप साइट पे ये तिरंगा हमारा लहराता हुआ। वाओ। सो कूल, सो पीसफुल। Majestic view of Dholadars. तो अभी हम अपने टेंट में आ गए हैं और ये हमारी कैरन काफ़ी थक चुकी है, सो शी इज़ टेकिंग रेस्ट इनसाइड द टेंट। और अभी हम भी बाहर देख रहे हैं सनसेट अपने टेंट के अंदर से। सो ब्यूटीफुल सनसेट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। वाओ, टोटली अमेजिंग। सो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम Triund टॉप। एंड हमारी कैरन भी पीछे बैठी है, इंजॉय कर रही है धौलाधार के व्यूज़। और अभी हम यहाँ सामने बैठे हैं धौलाधार के सामने कि हम यहाँ से अभी सनराइज़ देखें, तो उसी उम्मीद में हम यहाँ वेट कर रहे हैं। और बट थोड़ा सा ये स्पेकुलेशन है कि वो थोड़े क्लाउड से हैं, तो पता नहीं सनराइज़ हमें दिखाई देगा कि नहीं देगा, तो अभी उम्मीद लेकर बैठे हैं। तो देखिए यहाँ से हम आपको दिखाते हैं व्यूज़।
धौलाधार के ब्यूटीफुल व्यू ऑफ धौलाधार इन द मॉर्निंग फ्रॉम त्रिवेंड। और आपको थोड़ा फ्रंट कैमरा से मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सो ब्यूटीफुल। अभी ये है कि इन रेंजेस के पीछे से वहाँ से सनराइज होगा एट, भी यहाँ पे थोड़ा क्लाउडी है तो पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं देगा। अब ये देखिए नीचे सिटी व्यू है मैक्लोडगंज का फ्रॉम द ट्रिवेंड टॉप कैंपिंग साइट ऑफ त्रिवेंड। एक्चुअली अभी त्रिवेंड टॉप पे हम जाएंगे, ये अभी हम कैंपिंग साइट से ही देख रहे हैं धौलाधार रेंजेस को। सो ब्यूटिफुल इन महान पहाड़ों के सामने अपने आप को कितना छोटा सा महसूस किया जाता है, कितने विशाल हैं इंसान तो कुछ भी नहीं इनके सामने, नेचर इज सुप्रीम। और ये हैं हमारे गाइड मिस्टर साहिल, इनसे हम पूछ रहे थे कि क्या होगा, सनराइज दिखाई देगा कि नहीं देगा, तो वो भी ऐसे यही कह रहे हैं कि सामने अभी क्लाउड्स हैं और बारिश होने की संभावना है, तो थोड़ा मुश्किल है कि आज सनराइज दिख पाए। सो गाइज हम सनराइज तो नहीं देख पाए ड्यू टू क्लाउडी एटमॉस्फेयर, तो अभी हम चल पड़े हैं कैंप साइट से त्रिवेंड टॉप की तरफ। ये नीचे कैंप साइट है जहाँ से हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ आफ्टर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे त्रिवेंड के टॉप की तरफ जो कुछ मीटर्स ही आगे है, तो इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स टू वॉक अप, एक्चुअली टू हाइक अप। एंड ये अभी देखिए यहाँ से व्यू, और ये अभी हम ऊपर आ चुके हैं त्रिवेंड टॉप के पास जहाँ पे ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। और यहाँ पे जो कैंपिंग होती है लेकिन सिर्फ जो है रेस्ट हाउस के ही, जो गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं या उन्हीं के लिए ही है अलाउड। और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो एक्चुअल में जो टॉप हाइट है त्रिवेंड की वो हमें मिलेगी। और ये सामने देखिए धौलाधार रेंजेस दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ से व्यू, क्या शानदार व्यू है, अमेजिंग ऑसम मैजेस्टिक माउंटेन्स। सो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड ट्रिवेंड टॉप और
यहाँ पहुँच के जो एक्साइटमेंट होती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो यहाँ पे तो फोटोग्राफी बनती है, द मस्ट हैव फोटोग्राफी पॉइंट एट त्रियुंड। सो अभी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, टू कैप्चर दीज व्यूज इन आर मेमरीज फॉर एवर। और यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिली कि यहाँ जगह जगह जो ये रॉक्स हैं पड़ी हुई टॉप पे, उस पर कुछ कुछ कोट्स लिखे हुए हैं एडवेंचर के लोगों ने, एंड दे आर अमेजिंग। और ये आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा देते हैं, आपको हाइक करने में जो थकान महसूस होती है उसको कम करने में ये जो कोट्स हैं बहुत ही हेल्पफुल हैं, इंस्पिरेशनल हैं। लाइक दिस लाइफ वॉज मेंट फॉर गुड फ्रेंड्स एंड गुड एडवेंचर्स। अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ का जो मेन लैंडमार्क है त्रियुंड टॉप का, वो यहाँ पे एक हिस्टोरिक शिवा टेम्पल है। और ये हमारे गाइड बता रहे थे कि ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, ब्रिटिशर्स के टाइम का यहाँ पे है ये शिवा टेम्पल, जिसमें शिवलिंग है। तो अभी हम उस तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ से व्यू देखिए, है ना स्पेक्टेकुलर व्यू। यस इंडीड। और वो सामने छोटा सा येलो कलर का दिख रहा है आपको ब्लू टेंट के साथ, ये है हमारा शिवा टेम्पल। यहाँ पहुँच के तो ऐसा फील होता है जैसे भगवान शिव स्वयं यहाँ पे विराजमान हैं इन पहाड़ों में। ये देखिए, सो डिवाइन फीलिंग कम्स आउट। जय शिव भोले। ये मंदिर के पास ही एक शेक है जो छोटा सा एंट्री पॉइंट है, वहाँ हमने एक हनुमान जी की एक मूर्ति देखी जो बिल्कुल जैसे वैली के बिल्कुल एज पे जाके एक रॉक पे है। ये देखिए, हमारे गाइड ने हमें बताया कि पहले यहाँ पे नहीं थे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, यहाँ सिर्फ ऐसे ही रॉक ही थी। बट यहाँ जैसे कुछ लोग जैसे इररिस्पॉन्सिबली कह सकते हैं कि सेल्फी लेने के पॉइंट से वहाँ पहुँच जाते थे और कहीं हादसे हुए कि लोग गिर गए वहाँ से। सो अब उन्होंने वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि लोग वहाँ जाके ऐसे सेल्फी ना लें,
तो वहाँ पे हनुमान जी को स्थापित किया है। सो गाइज, इसके बाद ट्रेन टॉप को कवर करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था जो वो था लाका ग्लेशियर, जो यहीं से होकर आगे रास्ता जाता है। सो गाइज, हमारा आगे का एक्सपीरियंस देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना, और उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।